हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या प्रियंका बन सकती है मूवी में सुपर हीरो? क्या बच्चों की कहानी होगी क्रिश 4? वेल माय लवीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइस, मैं अपना सुनाया, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर एंड बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है क्रिश 4 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एलियन, यूएफओ, दूसरे ग्रह पर जीवन का होना, ये सभी ऐसे टॉपिक्स रहे हैं जिसने हमेशा से इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या धरती के अलावा कहीं और जीवन है? अगर है तो ऐसा कैसे है? क्या एलियंस धरती पर आते रहते हैं? इस क्यूरियोसिटी भरे टॉपिक में इंसानों की दिलचस्पी इतनी गहरी है कि उन्हें हर आकाश पर चमकती हुई चीज़ यूएफओ लगती है। इंसानों की दिलचस्पी कहें, भ्रम कहें या रियल, लेकिन पुख्ता तौर पर यह दावा किया जाता रहा है कि ब्रिटेन में एलियंस का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं कई बार यहां सामने आ चुकी है। अब आप सोचेंगे कि क्रिश फ्रेंचाइजी की बात करने आए हैं या एलियंस की? तो भाई, क्रिश फ्रेंचाइजी भी तो इसी पर बेस्ड है ना। आपको बता दें कि इस बार क्रिश 4 की कहानी में प्रियंका चोपड़ा का अहम रोल होगा, जो एक सुपर हीरो जैसा होगा। प्रियंका चोपड़ा मूवी में साइंटिस्ट के रोल में नजर आ सकती है, जो एलियंस की तलाश करेंगी और उन्हें एलियन मिल भी जाएगा, और एलियन की मदद से उन्हें एक सुपर पावर गेन होगी। जहां हमने आपको बताया था कि इस बार जादू को वापस लाने की प्लानिंग में है राकेश रोशन, तो फिर से हमें एलियंस वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल सकती है। वैसे इस तरह की स्टोरी बेसिकली बच्चों के लिए बनाई जाती है, और बच्चों के अलावा बड़े लोग भी इसे बड़े चाव से देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरीज में ऐसी बातें दिखाई और बताई जाती हैं जो आज तक ना तो किसी ने सुनी है और ना ही देखी है। वहीं अगर हम एलियन की सच्ची घटना की बात करें तो पिछले साल यूके में तकरीबन 250 से ज्यादा बार एलियंस के देखे जाने का दावा किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया गया कि शायद यूके दूसरे ग्रह के प्राणियों की सबसे पसंदीदा जगह बन गई है। लेकिन इसके पहले कुछ सालों में उनकी संख्या में कमी आई थी। ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च एसोसिएशन के अनुसार पिछले साल यानी 2021 में 250 से ज्यादा बार यानी करीब 259 बार एलियंस देखे गए। इनका मानना है कि अगर सारे के सारे नहीं भी तो कम से कम 5% मामले तो सही ही हैं। हालांकि 2021 एक यूएफओ एलियंस के देखे जाने के लिहाज से बेहतरीन सालों में गिना जाएगा, लेकिन पिछले सालों में इनके देखे जाने की संख्या कम थी। मेकर्स भी इसी तरह की रियल केसेस को ध्यान में रखकर अपनी फिल्में बनाते हैं ताकि मूवी बिल्कुल रिलेटेबल लगे। खैर, अब देखते हैं कि इस बार की कहानी कितनी मजेदार होती है। आप अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।